देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। अगस्त से दूर होगी टीके की किल्लत, वकीलों को यात्रा की अनुमति नहीं, रिलायंस इंडस्ट्रीज को मिली राहत। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। देश में 21 जून से बड़े स्तर पर कोरोना वैक्सीन के टीकाकरण का अभियान चल रहा है। अब तक भारत में लोगों को कोरोना वैक्सीन की 38 करोड़ से अधिक डोज दिया जा चुका है, लेकिन इस वक्त वैक्सीन की कमी से भी जूझना पड़ रहा है। इसके कारण कई शहरों में टीकाकरण की रफ्तार धीमी हो गई है, लेकिन अब माना जा रहा है कि अगस्त से देश में टीकाकरण की यह रफ्तार तेज होगी, क्योंकि अगले महीने से भारत में कोवैक्सीन और कोविशील्ड के अलावा देश में ही उपलब्ध निर्मित बायोलॉजिकल ई वैक्सीन की और जाइडस कैडिला की वैक्सीन भी उपलब्ध होने की संभावना है। तीसरी खबर, बंबई उच्च न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि वह मुंबई में वकीलों के समक्ष आने वाली कठिनाइयों से अवगत है, लेकिन वह चिकित्सीय सलाह से परे है, उन्हें काम पर जाने के लिए लोकल ट्रेन सेवाओं का उपयोग करने की अनुमति नहीं दे सकता है। मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति जीएस कुलकर्णी की एक पीठ ने हालांकि महाराष्ट्र सरकार को 16 जुलाई तक यह बताने का निर्देश दिया है कि उच्च न्यायालय के 60 पंजीकृत न्यायिक क्लर्क को लोकल ट्रेन का उपयोग करने की अनुमति दी जा सकती है, क्योंकि उच्च न्यायालय वर्तमान में केवल परिसर में आकर मामले दायर करने की अनुमति दे रहा है। तीसरी खबर, रिलायंस इंडस्ट्रीज को आंशिक राहत देते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी को निर्देश दिया। मुंबई के बांद्रा में चल रही परियोजना के लिए मुकेश अंबानी द्वारा प्रवर्तित कंपनी के आर्किटेक्ट को बीकेसी के लैंड डेवलपमेंट मामले में ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट कानून के अनुसार प्रदान करे। अदालत के फैसले के अनुसार आरआईएल ने सितंबर 2006 और जुलाई 2007 के बीच एमएमआरडीए को कुल 4005 करोड़ रुपए का भुगतान किश्तों में किया था, ताकि एक सम्मेलन और प्रदर्शनी केंद्र और बिजनेस डिस्ट्रिक्ट बीकेसी क्षेत्र में एक वाणिज्यिक परिसर विकसित करने के अधिकार प्राप्त किए जा सके। अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहे एमएनएस न्यूज लाइव के साथ। नमस्कार।